ये स्क्रैचेस देख रहे हो, अब ये कोई शार्प ऑब्जेक्ट से या फिर कहीं लग जाने से नहीं आए, ये नॉर्मल फोन चलाने की वजह से है। What? क्योंकि मैंने कोई भी टेम्पर नहीं लगा रखा था एंड इसका रीजन है कर्व डिस्प्ले। अब मानो या ना मानो, लेकिन एक कर्व डिस्प्ले का जो टेम्पर होता है यूवी टेम्पर, उसको खोजना बहुत मुश्किल है। मतलब मेरे सिटी में तो नहीं है, और अगर ऑनलाइन मंगाओ तो उसके भी अलग पंगे, क्योंकि लगाने नहीं आता। और ये खुद कर पाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे कर्व डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन आएंगे, तो क्या हम टेम्पर ही नहीं लगाएंगे? तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आज आपके साथ में 4 पॉइंट शेयर करूंगा जो कि मैंने खूब पैसे बर्बाद करके सीखे हैं, बहुत सारे टेम्पर बर्बाद किए। तो शुरू करते हैं, और मेरी तरफ से पूरी गारंटी, आपने अगर वीडियो पूरे अच्छे तरीके से फॉलो की तो आपके टेम्पर में कभी कोई बबल नहीं आएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी सबसे पहले मैंने कमेंट्स के अंदर जो अलग अलग कर्व डिस्प्ले हैं, जैसे मोटो एज 40, रियलमी 11 प्रो, 11 प्रो प्लस, रियलमी 10 प्रो प्लस, लाओ अग्नि 2, इन सब के लिए बेस्ट टेम्पर जो है वो डाल दिया लिंक, आप वहां से ऑर्डर कर लेना। बेसिकली इस टाइप का कुछ पैकेज आपके पास आने वाला है। पैकेज का कलर और डिजाइन थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है, लेकिन बॉक्स के अंदर जो कंटेंट है, एक आपको टेम्पर मिल जाएगा, एक ग्लू मिल जाएगा जिससे आप यूवी टेम्पर को चिपकाओगे, एंड ऑब्वियसली एक यूवी लाइट, और यहाँ पे आपको एक पेपर मिलता है जिसके अंदर कुछ वाइप्स मिलते हैं फोन को क्लीन करने के लिए। तो अभी जो सबसे पहला पॉइंट आता है कि अपने फोन को आप अच्छे से अलाइन कर लो टेबल के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मुझसे थोड़ी सी अलाइनमेंट में गलती हुई जिस वजह से ग्लू स्पिल होते होते बच गया। तो ऐसी गलती नहीं करना, पूरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। अच्छे से फोन के नीचे कोई रुमाल या फिर टिश्यू वगैरह लगा लो, बेसिकली फोन एकदम प्लेन होना चाहिए। अब टेम्पर वाले बॉक्स के अंदर आपको कुछ वाइप्स मिले होंगे, उससे आप लोग अपने फोन को अच्छे से क्लीन कर दो, कोई भी डस्ट नहीं रहना चाहिए। और ये स्टिकर्स भी आपको मिलते हैं जिससे आप थोड़े मोटे डस्ट पार्टिकल जो रह जाते हैं उनको हटा सकते हो स्टिक करके। लेकिन हमारा जो दूसरा पॉइंट है ना, वो आपको क्या करना है, ये जो लंबे लंबे स्टिकर्स देखने मिलते हैं, इसको आप लोगों को सबसे पहले ईयर पीस वाले माइक में अच्छे से अलाइन करके उसको बंद कर देना है, क्योंकि ग्लू अगर उसके अंदर चला गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम आगे बढ़े उससे पहले ये चीज करना बहुत जरूरी है, और नीचे स्पीकर के साइड में भी उसको अच्छे से साट देना। अब हमारा थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, आपको क्या करना है, ग्लू खोल के अपने फोन के ऊपर कम से कम 2 ड्रॉप्स डालने हैं, मतलब 2 जगह पे अपने ग्लू को पूरा डालना है, एक जगह मत डालना क्योंकि वो बह जाएगा। और जैसा मैंने आपको थोड़ा शुरू में दिखाया था अलाइनमेंट में थोड़ी सी गड़बड़ी है, तो अभी देख लो फोन को अच्छे से अलाइन कर लिया मैं, बच गया पैसे। अब यहाँ एक चीज आप ध्यान रखना, ये काम आप लोग घर के अंदर करना, क्योंकि सन के अंदर यूवी लाइट होती है जिस वजह से ग्लू अपने आप स्टिक होना शुरू हो जाएगा, तो घर के अंदर करना, ऑब्वियसली घर के अंदर ही करोगे। तो अब फाइनली टेम्पर इंस्टॉल करने का टाइम आ चुका है, सिंपल पन्नी हटा के हम लोग को ग्लू के ऊपर सिर्फ रख देना है, और यही हमारा चौथा पॉइंट भी है। कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, अलाइन करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि जो ग्लू है वो अभी जस्ट वाटर है, जब तक यूवी लाइट नहीं पड़ेगी तब तक वो स्टिक नहीं होगा। आराम से इंतजार करो, ग्लू जो है वो अपने आप हर जगह फैल जाएगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब अपने आप फैल जाए फिर भी हड़बड़ी कोई जरूरत नहीं है, आराम से इसको 5 मिनट छोड़ दो, क्योंकि बहुत छोटे छोटे माइक्रोन बबल्स होते हैं, वो भी इस 5 मिनट में पूरे तरीके से निकल जाएंगे। तो अब जब आपने टेम्पर को आराम दे दोगे तो सिंपल आप लोगों को अच्छे से अलाइन कर लेना है कि किस तरीके से फ्रंट कैमरा कहाँ है क्या, और फिर आपको सिंपल यूवी लाइट लेना है, उसमें चार्जर कनेक्ट करना और अपने फोन के ऊपर अच्छे से लगभग 3 से 4 मिनट तक उसको दिखाना। और उसके बाद आपके पास कोई भी फोन हो, चाहे मोटो एज 40, रियलमी 11 प्रो प्लस, मेरे केस में था, बहुत अच्छे से टेम्पर लगा है, कोई भी बबल नहीं है, आप लोग देख सकते हो फिंगरप्रिंट भी वर्क कर रहा है, और सच में बहुत अच्छा लगा है। तो ये ट्रिक्स आप फॉलो करना, और इसके बाद कभी भी कोई कर्व टेम्पर लगाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी आपके अगर कुछ क्वेश्चन है तो मुझे नीचे कॉमेंट्स बताओ। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूं मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।